की जरूरत है, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के मौजूदाना आजिजाना दरखास्त करता हूँ। अपन मोमिन है, मुसलमान के दिल के अंदर एक राई के दाने के बराबर भी ईमान बाकी है, तो इन चौधरियों के ये चौधरी देखो चोरी और सीना तो अभी देखो आप, वो कह रहे हमारा 5 साल तक कौन क्या बिगाड़ सकता है, यानी इनका कोई मंत्री बन गया या इनके पास इतनी हठधर्मियत आ गई कि 5 साल हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। दूसरी बात, इनके जो पेट्रोल पंप है, अगर मुसलमान हो, मेरे मौलाना जो थे ये मेरे बहुत ही अभी मुझे यहाँ मिले थे चक्की में 2-4 दिन पहले, उन्होंने गुलाम है रसूल, अगर आप भी रसूल के गुलाम हो तो मैं कसम है इस ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, के इसके पंप पे कोई पेट्रोल नहीं भराएगा, इसकी मेडिकल के ऊपर कोई दवाई नहीं लेगा, इसकी गाड़ी के ऊपर कोई नहीं चढ़ेगा, तो जो हो आप मुसलमान, आपके अंदर अगर एक राई के दाने के बराबर ईमान होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जन्नत में जाएगा। इसी तरीके से ईमान को बाकी रखते हुए आप लोगों ने अल्लाह का वास्ता है, गुलाम रसूल के बच्चों का वास्ता है और कलमे का वास्ता है, इसके तो पंप पे कोई तेल नहीं भराएगा, इसकी गाड़ी के अंदर कोई नहीं चढ़ेगा और इसकी मेडिकल से कोई दवाई नहीं खरीदेगा। यही मेरी आज से आपसे आज का दरखास्त है, हाथ जोड़ के विनती है, दरखास्त है इस पे अमल करेंगे। पेट्रोल पंप पड़े हुए पास में, पेट्रोल पंप वहाँ कराओ, बहुत सारी मेडिकल है ठीक है ना, उससे आप पंप करा लो, गाड़ियाँ बहुत है, एक बंद हो जाएगी 10 और चालू हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप इस पे अमल करेंगे इनसे अल्लाह ताला अल्लाह अपनी मदद करेगा। आज के कसम यकीन है इंशाल्लाह, मैं मौलाना मोहम्मद अली की बात की ताइद के लिए खड़ा हुआ था, अल्लाह हमें अल्लाह अल्लाह के रसूल ये करे हम इस पे कायम रहे और अल्लाह हमें हिम्मत दे और इस पे कायम रखे। खुदा हाफिज।